नमस्कार। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लाई गई थी, 25 तारीख से इसको लागू होना था। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा। पिछले 3-4 साल से मैं मशक्कत कर रहा हूँ इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा, कल दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है, ये राशन योजना आप लागू नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हमें धक्का लगा, 5 दिन पहले लागू होने के केंद्र सरकार ने इसको बंद किया, क्यों नहीं लागू कर सकते। तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता, उनको शायद मुख्यमंत्री शब्द से आपत्ति है। हम ये योजना कोई नाम, अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये कोई क्रेडिट के लिए नहीं कर रहे। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि लोगों को ये लगेगा कि ये राज्य सरकार की योजना है। हम ये अपने क्रेडिट के लिए भी नहीं कर रहे। कोरोना के कार्यकाल में भी हमने कहा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार किसी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रही, क्रेडिट सारा उनका, काम सारा हमारा, कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने में सफल हो रहे थे। तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया, लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे, केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। तो आज सुबह मैंने अफसरों के साथ मीटिंग करी और मैंने उनको कहा कि इस योजना का नाम हटा दो, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बंटता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। आज से 22 साल पहले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ। पहले मैं इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था, मैंने दिल्ली की गरीब बस्तियों, दिल्ली के गरीबों के साथ मैंने काम करना चालू किया, झुग्गी बस्तियों के अंदर काम करना चालू किया, दिल्ली में नंद नगरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी की झुग्गियों के अंदर काम करना चालू किया। वहां झुग्गियों के अंदर जब काम करना चालू किया तो पता चला कि लोगों को राशन लेने में काफी तकलीफें होती हैं। उन्हीं दिनों में सूचना का अधिकार कानून आया था। सूचना का अधिकार कानून इस्तेमाल करके जब हमने सरकारी रिकॉर्ड्स निकलवाए तो पता चला कि लोगों के झूठे दस्तखत करके, लोगों के झूठे अंगूठे के निशान लगा के, लोगों के नाम पे किस तरह से राशन चोरी किया जा रहा था। बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को राशन मिलता नहीं था और लोगों का राशन चोरी हो रहा था। उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हमने व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाई, हमने गरीबों को राशन दिलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। हमारे कई कार्यकर्ताओं पे उन दिनों में और गरीब लोगों के ऊपर राशन माफिया ने अटैक भी किया, हमले भी किए, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं निकले। हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाए। किस्मत से, ऊपर वाले की किस दया से, लोगों के प्यार और मोहब्बत से, कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि दिल्ली में हमारी सरकार बन गई और अब हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार आ गया। तो पिछले 3-4 साल से मैं व्यक्तिगत इस पूरे स्कीम के ऊपर लगा हुआ हूँ कि किस तरह से राशन गरीबों तक साफ सुथरा राशन, अच्छा राशन ईमानदारी से पहुँचे। और तब हमने इस योजना को, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को 3-4 साल पहले शुरू किया था। पिछले 3-4 साल में काफ़ी तकलीफें आई, काफ़ी अड़चनें आई। ये बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। जाहिर तौर पे जो माफिया है वो बहुत स्ट्रांग माफिया है, वो बहुत ताकतवर माफिया है, उसके बड़े लिंक्स हैं, चारों तरफ उसके नेटवर्क है, वो इतनी आसानी से करने नहीं देगा। पिछले 3-4 साल से मैं मशक्कत कर रहा हूँ इस माफिया से लड़ने की, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस योजना को लागू कराने की। अब जबकि हमारा 20-22 साल पुराना सपना पूरा होने जा रहा था कि हम एक्चुअली लोगों के घर घर तक राशन पहुँचाने में सफल हो रहे थे, तो कल जब ये अड़चन आई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया। लेकिन हम किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने देंगे। केंद्र सरकार की जितनी शर्तें हैं हम सारी शर्तें मानेंगे। केंद्र सरकार जो कहेगी हम वो करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल जनता तक ईमानदारी से साफ सुथरा सस्ता राशन पहुंचाना है। अगर वो राशन पहुंच गया तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा और गरीबों की दुआएं मिलेंगी। उन गरीबों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज हमारे दिल्ली के अंदर, हम तो छोटे से लोग हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस निर्णय के बाद कि ये कोई नई योजना नहीं है, कोई इसका नाम नहीं दिया जाएगा। परसों हम कैबिनेट मीटिंग रख रहे हैं, कैबिनेट के अंदर इस पे निर्णय लेके कैबिनेट का प्रस्ताव हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अब इसमें हमें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। नमस्कार।